Vande Mataram, all the students, today we will read, recite and understand the poem Wind. This poem is composed by Subramanya Bharati, a Tamil poet, and translated into English from a Kannada poet A.K. Ramanujan. Ye kavita जो है वो हमारे को हवा के बारे में बताती है। कवि जो है वो यहां पे रिक्वेस्ट करता है हवा से, विंड से, कि आप इतनी तेज मत चलो, क्योंकि तुम तेज चलती हो तो सबको नुकसान पहुंचाती है। ये हमारे को ये भी कहती है पोएम कि हमारे को किस प्रकार हवा के साथ में फ्रेंडशिप करनी है, मजबूत बनना है और फ्रेंडशिप करनी है। विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम सॉफ्टली आओ, सॉफ्टली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे, तो तुम धीरे धीरे आओ, तेज मत आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तोड़ने का काम मत करो, ब्रेक करते हैं तोड़ने को, किसको नहीं तोड़ो, शटर्स जो दरवाजे हैं, किसके दरवाजे, ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ने का काम मत करो, यानी तुम तेज आओगी तो तुम खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ दोगी। डोंट स्केटर, स्केटर कहते हैं फैलाने को, क्या मत फैलाओ, द पेपर्स, कि जो पेपर्स हैं उनको भी तुम मत फैलाओ। डोंट थ्रो, थ्रो कहते हैं थ्रो डाउन, कि नीचे गिराने का काम मत करो, किस चीज को नीचे मत गिराओ, द बुक्स, जो किताबें, ऑन द सेल्फ, जो ताक में किताबें रखी हुई है उन किताबों को नीचे गिराने का काम मत करो, थ्रो वैसे कहते हैं फेंकने को। देयर लुक, अरे देखो, व्हाट यू डिड, अरे तुमने क्या कर दिया है, You threw them all down, तुमने उनको सबको नीचे गिरा दिया है। Threw second form होती है throw की, throw, threw, thrown, तो उनको नीचे गिराने का काम कर दिया है तुमने। You tore the pages of the books, और क्या काम किया तुमने, tore कहते हैं फाड़ने को, कि तुमने फाड़ दिए जो किताबों के पेजेस हैं पन्ने, उनको भी तुमने फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और क्या काम किया है तुमने, कि तुम्हारे आने के साथ साथ तुम अपने साथ क्या लेके आई हो, बारिश को भी लेके आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पॉकिंग फन, पॉकिंग फन मीन्स मजाक उड़ाना, कि तुम मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो, किनका मजाक उड़ाने का चतुर हो, वीकलिंग्स जो होते हैं यानी जो कमजोर होते हैं उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल, फ्रेल कहते हैं कमजोर को, वीकलिंग्स को। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग कहते हैं जर्जर जो होता है, यानी जो चीज टूटने की अवस्था में होती है उसको कहते हैं क्रम्बल, तो तुम कमजोर जो जर्जर होते हैं मकान, उनका मकान, उनको मजाक उड़ाने में भी तुम चतुर हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो जर्जर दरवाजे होते हैं, क्रम्बलिंग जो जर्जर राफ्टर्स होते हैं, राफ्टर कहते हैं रूफ को, छत को सहारा देने के लिए जो यूज में लिए जाते हैं, बलियां वगैरह जो होती है उनको कहते हैं राफ्टर। क्रम्बलिंग वुड, जो कमजोर पेड़ पौधे होते हैं, वुड यहां पे आया है ट्रीज के लिए, जो कमजोर जर्जर जो पेड़ पौधे होते हैं उनका मजाक उड़ाने में भी तुम माहिर होती है, यानी तेज हवा चलती है तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कमजोर शरीर होते हैं, जर्जर शरीर, उनका मजाक उड़ाने में माहिर हो। क्रम्बलिंग लीव्स, जो जर्जर जीवन होता है उनका मजाक उड़ाने में माहिर हो। क्रम्बलिंग जो जर्जर हार्ट्स होते हैं दिल लोगों के, उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो।
क्या करती है हवा? द विंड गॉड, जो हवा के देवता होते हैं, विनोज, विनो कहते हैं फटकने को, जैसे अनाज वगैरह होता है उसको ऊपर से फटका जाता है नीचे की तरफ, वैसे ही हवा जो होती है वो भी फटकने का काम करती है सारी चीजों को, एंड क्रशेस, और कुचल देती है देम ऑल, उन सभी चीजों को। यानी जब तूफान आता है, तेज हवा चलती है, तो कमजोर जो चीजें होती है वो नष्ट हो जाती है या टूट जाती है, जबकि मजबूत जो चीजें होती है वो उस हवा के अंदर भी, तूफान के अंदर भी, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो कवि हमारे को यही कहता है कि हमारे को मजबूत बनना है, कमजोर नहीं।